ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನನ್ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಭ್ಯಾಮ ಭೂಮಿ ದಿಂದ ಸಹ ಶ್ರೋತ್ರಾನ್ ತಥಾ ಲೋಕನಾಮ ಕಲ್ಪಯನ್ ಪೀಚ ಫಿಮೇಲ್ ಗುಪ್ತ ಓಂ ಯಜ್ಞೇನ್ ಯಜ್ಞಮಯ ಯಜ್ಞೇನ್ ಯಜ್ಞಮಯ ಜಂತ ದೇವಾಸ್ತಾನ್ ಧರ್ಮಾಣ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್ ಹೇ ಅನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನ ಸಚಂ ತ್ರಕ್ತ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾ ಸಂತಿ ದೇವ ಸಭಿ ಕಾ ಸಮ್ಮಾನ ಔರ್ ಏಕ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಕಿ ಕಾಮನಾ ಥೋಡಾ ಯೇ ಜೋರ್ ಹೋ ಜಾಯೆ ಬಹುತ್ ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಲಿ ಸೇ ಹಸ್ತೆ ಹೋ ಗಯೆ ಆಪ್ ಅಪ್ನಾ ಕಭಿ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಥೋಡಾ ಹಸ್ತೆ ಹೈ ಇತನಿ ಜೋರ್ ಕೆ ರಖೆ ಕಿ ಯೇ ವಿವಾದ ಟೂಟ್ ಜಾಯೆ ಔರ್ अपनी ताकत का और जाओ अपने ऊपर विश्वास हो और एक मालिक पे विश्वास हो, दो विश्वास अगर हो गया तो जीवन में सभी कुछ संभव है, जीवन में हर कुछ संभव है। ये निश्चय इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस ताकत से अपने विचारों को अपने कर्म को अपने जीवन को दिया है। और आज सर्वाइवल की बात है, आज छोटी मोटी बात नहीं है, आज इस बात की बात है कि हमारे एक दो नहीं 2,30,000 परिवार, साथ ही साथ इसके ऊपर करीब 10,00,000 परिवार जुड़े हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड के ऊपर 10,00,000 परिवार जुड़े हैं। इन परिवारों को चलाने के लिए हमें एक मिशन की जरूरत है। मिशन ये है हमारे आपके रहते हुए ये सदन कैसे पीछे रह सकता है, ये हमारे आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, किसी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। गवर्नमेंट अपना दूसरा काम गवर्न करने का करेगा, सर्वाइवल का काम हमें आपको करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और बहुत आप देखेंगे एक एक्सचेंज के अंदर घुस जाएगी, बहुत सामान भरा पड़ा है, कोई यूज करने वाला नहीं। हम बहाना बनाते हैं कि कस्टमर ले जा रहे हैं, बोर्ड भी लाइए, पहले कहा जाता था फ्रिज भी लाइए, फ्रिज भी आ गया, फिर बोर्ड भी लाइए, बाइक भी लाइए। आज 7-star होटल भी चल रहे हैं, 5-star होटल भी चल रहा है, 3-star होटल भी चल रहा है, 1-star भी चल रहा है, रेस्टोरेंट भी चल रहा है, ढाबा भी चल रहा है। टेक्नोलॉजी में हमारे माइंडसेट की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट। और कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो इतने लॉयल हैं, जब तक हम धक्का नहीं मारते वो हम छोड़ते नहीं। मैं आपको फिर की बात बता रहा हूँ, कुछ मैं नॉर्थ ईस्ट
सर्कल हेड करता हूँ, तो मैंने देखा कि जब जब हमारे लोगों ने बहुत प्रयास किया, लोग अभी भी तैयार हैं। लेकिन वो एक चीज जानते हैं कि हम जो नहीं, हम किसी के बैलेंस से पैसा नहीं निकालते। और इससे बड़ी लेकिन इसी के साथ साथ एक और गंभीर परिस्थिति है, हम क्वालिटी और सर्विस पर कितना ध्यान देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। एक जमाना था, मुझे याद है कि हम लोग 30 दिन में शायद 1 दिन 2 दिन घर जा पाते थे, कुछ चेंज नहीं उठाते थे, वहीं तरी डाल करके रहते थे। ट्राउजर ट्रांसफार इंजन भी हम लोगों ने सब मैनेज किया और बहुत मज़ा आता था। क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आपको बड़ी शौक और मांगे कि आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि आपने कुछ किया, कुछ क्रिएट किया, आपने कुछ चीज़ें मेनटेन की। आज क्या हो गया, आज लोग 6 घंटे में थक जाते हैं, 7 घंटे में थक जाते हैं, अपनी वजह से नहीं थकते। अपना काम नहीं कर रहा, मैं क्यों काम करूँ। लेकिन मेरा एक ही प्रश्न होता है, ये जीवन की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है या सामने वाले? ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? फॉरगेट अबाउट बीएसएनएल जवाब, बहुत छोटा सा जीवन लेकर के आए हैं, बहुत छोटा सा जीवन। इस जीवन की हमारी आज की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। एक एक सेकंड मालिक ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, एंड यू ऑल आर अमेजिंग गाइस, यू रिमेंबर इवन 1 सेकंड इज वर्थ सेवरल मिलियन क्रोर्स। और ये कोई तनख्वाह से आपके जीवन के 1 सेकंड को नहीं खरीद सकता। हमारी आपकी कर्म की ओर यही है, हमारी आपकी तपस्या भी यही है, और हमारा आपका जीवन, हमारी पूजा यही है जो आप कर रहे हैं। और आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, 10 लाख परिवार को आपको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जब ये बात दिमाग में घुसेगी तब आप अगल बगल नहीं देखेंगे, अपने ऊपर देखेंगे। क्योंकि जिम्मेदारी आपकी, आपकी मानसिक की जिम्मेदारी, जिंदगी की मानसिक की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की। एक चीज और है, यू आर ऑल अमेजिंग हैव टू हैव आई सी नो बडी इन दिस वर्ल्ड हैज कम विदाउट ए यूनिक क्वालिटी। आई अगेन रिपीट, समबडी सिंग्स वेल, समबडी डांस वेल, समबडी डज PR work better, somebody does buy work better, somebody does some IT work, somebody creates something new, somebody handles the customer in a liberating manner. So you all have amazing qualities. पहली बात तो अपने को और अपने माल को कभी कमजोर नहीं मानना। कई बार हम अनजाने में कहते हैं हमारे पास कोई चीज नहीं, हमारी सर्विस खराब है, कि हमारा ब्रॉडबैंड वाला, मैं मोबाइल में मैं ब्रॉडबैंड को गाली देता हूँ, ब्रॉडबैंड वाला मोबाइल को गाली देता है। यही हुआ है कि असल में जब मालिक कहेगा यू आर आर ओनर, मैथन में कहते हैं स्टेक होल्डर, यू आर स्टेक होल्डर, यू आर ओनर। एंड ओनर शुड नेवर अब्यूज इट्स ओन प्रोडक्ट, क्योंकि इससे आपकी लाइफ जुड़ी, आपका परिवार जुड़ा। मेरे बच्चे की एक एक बूंद बूंद में बी एस एन एल का और पब्लिक का पैसा है, ये कभी नहीं भूलना। जिस दिन आपको ये याद आएगी, जीवन के एक एक क्षण में मजा आए। आज समझ नहीं है, कभी चाहिए मैं बताऊँ हाउ टू इंजॉय एवरी मोमेंट वाई डू योर जॉब। यू कैन इंजॉय एवरी मोमेंट, एंड द मोमेंट टू इंजॉय, द मोमेंट टू लव योर वर्क, योर वर्क इज नथिंग बट वर्क। अदरवाइज योर वर्क विल बी अ बर्डन फॉर योर। द क्वेश्चन इज वेदर आई एम लिविंग और नॉट, आई एम अ लिविंग बॉडी, एम आई ग्रोइंग, माई हैप्पीनेस इज ग्रोइंग, माई एफिशिएंसी इज ग्रोइंग, my output is going or not, if not growing, then question on us. My efficiency must grow, my happiness must grow. My children, learn even from your friends. Sometimes you have to learn from your the labor work. Every moment we have to learn, and sometimes you should go. Today I went to a private doctor just to see how they serve. एक प्राइवेट डॉक्टर के सिर्फ मैंने कहा जरा देखते हैं कि हमारे लोग कैसे देते हैं, ये लोग कैसे देते हैं। यू शुड गो विदाउट गिविंग योर रेजिग्नेशन। देन वी गेट जैसा कि साहब ने बीएसएनएल और जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया, आप सभी को, हम सभी को सीखना है कि जैसा हम दूसरे से चाहते हैं वैसे हमें खुद भी पता चाहिए। आज दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और इस
इस शाम को आप खूब आनंद के साथ मनाएं, खूब अपना गीत संगीत के प्रोग्राम के साथ ही दीपावली का उत्सव मनाएं। और ऐसे अच्छा लोग अध्यक्ष है जिसमें आप लोग अपना छः दिन का जो टाइम रहता है यूट्यूब के लिए उसमें खूब सीखें और जो आपके अपने
जो कि सोलो सॉन्ग परफॉर्म करेंगे। Thank you.
विदेश में जाता है तो अपने भारत माता की याद करता है और उसको किन किन पलों को याद करके भारत माता की याद आती है उनकी पंक्तियों में संजोया है कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आँखों में घुल जाने तेरी याद आती है, तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है, समंदर पार वीरानों में तेरी याद आती। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बोलनी चाहिए तो अच्छा है कि हाँ, कि कहीं खाली पड़े आलिंद तो तेरी याद आती है, सुबह के ख्वाब के मानिंद तेरी याद आती है, कि हेलो हे हाय सुनकर तो नहीं आती मगर हमको, कोई कहता है जब जय हिंद तो तेरी याद आती है, कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है, कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद आती है, कोई व्रत रख ले सावित्री तो तेरी
याद आती है, अचानक मुश्किलों में हाथ जोड़े आंख मूंदे जब, अचानक मुश्किलों में हाथ जोड़े आंख मूंदे जब, कोई गाता हो गायत्री तो तेरी याद आती है, कोई गाता हो गायत्री तो तेरी याद आती है। भारत में कई काम होते हैं जो मुहूर्त शुरू होते हैं, कि सुझाए माँ जो मुहूर्त तो तेरी याद आती है, हंसे जब बुद्ध की मुहूर्त तो तेरी याद आती है, कि कहीं डॉलर के पीछे छिप गए भारत के नोटों पर। अगली पंक्ति ध्यान दिया, कि कहीं डॉलर के पीछे छिप गए भारत के नोटों पर, दिखे गांधी की जो मूरत तो तेरी याद आती है, दिखे गांधी की जो सूरत तो तेरी याद आती है, कि अगर मौसम हो मन भावन तो तेरी याद आती है, झरे में घोस गर सावन तो तेरी याद आती है, कहीं रहमान की जय हो को सुनकर गर्व के आंसू। अगली पंक्ति पर ध्यान दें, कि कहीं रहमान की जय हो को सुनकर गर्व के आंसू, करे आँखों को जब पावन तो तेरी याद आती है, करे आँखों को जब पावन तो तेरी याद आती है। जोर से बोलिए जय हिंद जय भारत। हम फेस टू ट्रेनिंग, ये हाँ सोलो सॉन्ग परफॉर्म करेंगे और उनके सॉन्ग का टाइटल देखा था
गगनों में जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध दो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने हो कल भी क्यों लगते अपने हैं। पासिंग मार्क्स होते हैं, इसलिए वो कह रहा है अधिक न देओ
गुरु जी हमको सतरा तो धरो, गुरु जी मेरे अब गुण चित ना धरो। इस बात पर एक जोक सुनाना चाहूंगी। पति कहते हैं, अर्ज करता हूँ, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया तारे जैसा ना कोई। पत्नी रिप्लाई करती है, दिवाली आ रही है, घर की साफ सफाई में हाथ बटाओ, वरना दिमाग घूमिया तो मारे जैसा ना कोई। और अभी हमारे सिंह साहब ने हंसने की बात की थी, तो अभी हमारी टीम लेके आ रही है लाफिंग योगा, मिस्टर सुबोध, मिस्टर शिव बाबू, मिस्टर वशिष्ठ कुमार दुबे एंड संजय कुमार सिंह। बताता हूँ, सामने आज आते गण शुरू किया। हंसने की कई कलाएं होती हैं, अलग अलग कला होती हैं कि किसी को चेहरा देख लो कैसे क्या, जैसा कि सर ने बताया था। तो अब हंसने वाले योगा, वन पहले योगा करेंगे। अभी पहले हम लोग आप हमें साथ देंगे, जैसे से हम करेंगे आप भी करना। पहले हम तालियां बजाएंगे, उसके बाद आ से हंसेंगे, फिर ताली बजाएंगे, इसे हंसेंगे, फिर ताली बजाएंगे, उसे हंसेंगे, फिर ताली बजाएंगे, वो से हंसेंगे, अब तालियां ही तालियां बजाएंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट क्लैपिंग। ये ग्रुप डांस है, मिस्टर कबीरदास जी जो हैं
उनकी वहाँ का फोक डांस है। तू माता की सी जब जब सांसें
Dispriya and Sunita ma'am and Shivangi ma'am karengi. Please welcome. अब महारानी के पैर दबाओ, दबाओ। अरे एक चक्र तो बैठ गई।
अरे मैडम जी, आप ही ने तो कहा चुप करके बैठ जाओ। हे भगवान, इसके तो सारे काम उल्टे ही होते हैं। चल पानी लेके आओ। एक तो मुझ पे ठीक से बोलती नहीं है और जैसे भी आखिर लड़की है, बड़े घर की है,
फिर बेटा यहाँ भी तो कड़की है, हमने कहा जी अभी क्या जल्दी है, वो बोले गढ़े हो ढाई घंटे हो गए मगर बाप के सीने पे लगे हो, वह घर फंस गया तो समझ जाओगे, छोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। तब एक दिन भगवान से मिलके धड़कते दिल से पहुंच गए रुड़की देखने लड़की, शायद हमारी होने वाली साल बैठी थी हमारे पास, बोली यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई, और आंख वही चल गई वो समझी की मजल, बोली लड़की तो अंदर है मैं तो उसकी माँ हूँ। पिताजी बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, आग लगे ऐसी जवानी में डूब भरो चुल्लू भर पानी में, नहीं डूब सकते तो आंख फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते हो तो हमसे नाता तोड़ लो, जब भी कहीं जाते हो पीट कर ही आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो, अब आप ही बताएं क्या करूं कहां जाऊं कहां कहां गुण गाऊं, अपनी आंख के इस कमबख्त जूते खिलवाएगी लाख दो लाख के, अब आप ही संभालिए मेरा मतलब है कि कोई रास्ता निकालिए। Oh,
afterwards prize. And Mr. Ramesh and all, everybody should participate in the Lungi dance. All Amravati and Hyderabad. जिसका टाइटल है स्वच्छता अभियान, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिस्टर प्रमोद। अरे ये क्या, अभी तक सफाई नहीं हुई, देखो इधर कितनी गंदगी पड़ी है, साफ करो। और यहाँ देखो कचरा पड़ा है, इसे हटाओ। और हाँ इधर देखो कितने जाने लगे हैं, जल्दी सफाई करो, अच्छे से करो। मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। मालकिन क्या करवाती रहती है यार, बड़ी सफाई करवा रही। मैं भी तो देख लूँ कितना सफाई कर। हाँ भाई जी, जी क्या पढ़ाए, क्या सफाई हुई है सर अब है। अरे यार देखो हटो, देखो यार इधर साफ करो यार। अरे गंदगी नहीं दिख रही यार। नहीं है सर। तो यार लो इधर साफ करो। पीछे छोटे का मत जरा झाड़ के बद्दू लगेगा। अरे यार सब तो कहीं पे सुनता है नहीं, बात ही नहीं मानता। केला केले ले लो, केले पीस के दर्जन केले, केले ले लो केले। हाँ साहब, हाँ साहब, कैसे दिए केले? केले दिए हमने पीस के दर्जन। अरे आप दो केले दे दो। दो केले तो मिलेंगे पाँच रुपए लाओ यार। एक केला नहीं मिलेगा ढाई रुपए का? नहीं पाँच के दो ही मिलेंगे। ऐसा लाओ एक केला दे दो यार। केले 20 के 12 20 के 12 20 के दर्जन 20 के दर्जन केले खाओ, केले खाओ, केले खाओ। अच्छा बढ़िया। चलो ऑफिस का टाइम हो गया। अरे यार मोहन किधर गया? मोहन हाँ साहब नमस्कार साहब। अरे यार साहब गुटके ने मूड खराब कर दिया यार, कुछ रगड़ा लगा यार। अरे अभी लो साहब मूड बना देता हूँ आपका। और बात क्या मजा आ जाएगा। थैंक यू सर। और क्या हाल चाल है मोहन? बढ़िया है साहब, आप कैसे हैं?
ठीक है यार, मेरा तो ये चला। अरे साहब क्या बात है, सब लगा रहता है यार साहब। अरे साहब चिंता ना करो, है तो हेलो। अरे भाई ऑर्डर आए हुए हैं भारत सरकार से कि हमें भारत को स्वस्थ बनाना है, अब अपने ऑफिस में भी मायना करना है और जाना है, देखें क्या कहीं सफाई अभियान चल रहा है नहीं चल रहा है। ओफो कितना ऑफिस में गंदा पड़ा हुआ है, सफाई भी नहीं हो रही है, लगता है ऑफिस में। हाँ साहब आ रहे हैं। हेलो, अरे बाबू ये क्या तुमने पान गुटका थूका हुआ है? अरे तुमको गंदगी नहीं, पान थूका पड़ा हुआ है, गुटका यहाँ पड़ा हुआ है, अगर आंदा से हुआ ना तो आपको निकाल दिया जाएगा। अरे पर कमला पसंद नहीं, पान पकड़े सेहत भी देखो कितनी डाउन हो रही है, अपने अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने बीवी बच्चों के बारे में तो सोचा करो। आपदा से अगर आपके दोबारा हुआ ना तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये आपकी पहली गलती है, ये मैमो दे रहा हूँ, नहीं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा जी। चलो मैं देखता हूँ, कभी मायना करने आऊंगा, अगर मिला तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा आपको। अरे अच्छा मोहन में चलता हूँ, नमस्कार साहब। बंदूक काट ले, आज तो गया था मेरे घर। कैसा रहा दिन? अरे आज बहुत दिलेगा रहा दिन। मुझे आपसे बात करनी थी। क्या परेशानी है जब भी देखो, बात करनी है बात करनी है, क्या चाहिए आकर आप? मुझे चाहिए एक शौचालय। अरे दिखाओ तो सही, ये आने का कूलत नहीं के नहीं अशुभ से करना नहीं नहीं अरे ये नहीं मिलेगा, बेकार की चीज है सब। ओहो ये क्या किया, मुझे रोज सुबह 4 बजे उठ के शौच के लिए घर से बाहर जाना होता है और मैं रोज रोज की झंझटों से परेशान हो गई हूँ, मुझे अपने घर के अंदर एक टॉयलेट चाहिए। अरे तो आपको जाना पड़ता नहीं, अनोखा काम थोड़ी है, सब जाते हैं, कोई शौचालय नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे अपने घर के अंदर एक टॉयलेट चाहिए, अगर तुम नहीं बनवा फालतू की बहस कर रही हैं तो ठीक है, अगर तुम टॉयलेट नहीं बनवा सकते मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़ के जा रही हूँ। अरे नहीं ये क्या हो गया यार, छोड़ के चले गए आप, क्या हो यार, अब सुबह हो गई, तैयार हो गया। केला ले लो, आज तो 10 रुपए दर्जन है। केला 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 ले लो साहब, केला ले लो साहब, केला ले लो। अरे साहब एक रुपये बना है, ये 5 रुपए का सर, एक बहुत मीठा केला है साहब। गिरा गिरा गिरा, सही गिरा, ये गंदा आदमी, सही गिरा, सही गिरा, नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा, गंदा आदमी नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। केला ले लो, केला ले लो, इसको मत उठाओ, केला ले लो। अरे यार कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। अरे यार कैसे देख के नहीं थूकते यार, मेरी सेहत खराब कर दी। अब कैसे कैसे लोग आए यार, देख के नहीं चलते।
अब ऑफिस में कैसे थे साहब? व्यवस्था यार, कांच लगे भगवान। अरे साहब क्या हुआ? अरे बस कुछ नहीं, देख लग रहा है मूड सही नहीं है आपका। अरे साहब अभी लो, आपका मूड खराब कर दिया यार, बना एक। अरे साहब अभी लो। डर ही डर लगा रहता है यार, बॉस नहीं आया। अरे साहब चिंता ना करो, चलो इसी बात पे हो जाए। और क्या? और साहब बढ़िया है, आप सुना मूड बन गया? हाँ। अरे साहब क्या बात यार, यहाँ पे तो गंदा हो गया थोड़ा सा आपने मूड में। हाँ बिल्कुल साहब। अरे सॉरी साहब, गलती हो गई। हमें नहीं मालूम था आप आने वाले नहीं तो थूकते ही। अरे मैंने पहले भी बोला था ना, देखे पहले तो थूकते हो मैं, अब मैंने पहले बाल्टी दी थी आपको। अरे से बाबू जरा सस्पेंड ऑर्डर लाओ, इनको जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे ना ये लोग बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। लो सस्पेंड। और खा लो तम्बाकू, फैलाओ गंदगी, अब मजा आएगा। अरे क्या है साहब जी, तो क्या है तुम्हारा प्रेम बन रहा है? घर चली गई, ऊपर से आपने सस्पेंड कर दिया। अरे घर जाओ भाई, अपना भैया जाए सब, नहीं तो घर में ही रहेगा और ऑफिस भी नहीं रहेगा। जरूरी है अच्छा साहब, नमस्कार साहब। अरे नहीं भैया, पान वान कुछ नहीं, गुटका वटका कुछ नहीं। अब तो भैया तुम तो स्वच्छता अपनाओ यार, स्वच्छता अपनाओ बस, और कुछ नहीं, हम तो यही चाहते हैं। अब तो भैया घर में शौचालय बनवाना पड़ेगा। लो भैया शौचालय, 3 तारीख को जा रहे हैं, वो 2 तारीख में अपनी तैयारी। भाई लो स्वच्छता अपनाओ। बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। हम साथियों, हमारे सारे बैच के लोगों की तरफ से अनुरोध है कि गंदगी ना फैलाएं और हमारे भारत को स्वच्छ और समृद्ध बनाने में सहयोग करें। स्वच्छता एसआईटी में था जो पिछले 6 हफ्ते से हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहा था, आज इसका पूरा कम्प्लीट ही मान लीजिए, क्योंकि कल 20 तारीख में जहाँ चले जाएंगे, तो ये अपने कोच के हिसाब से जो भी कर सकते थे इन्होंने किया है। लेकिन जो फेस वन का जो कल्चरल एक्टिविटीज है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बैच हैं, 1-3 बैच तो अभी जाएगा 3 नवंबर को, तो 2 नवंबर को उन्हें करना है, और दूसरा बैच आपका 21 नवंबर जब भी जाए उसके 1 दिन पहले आपका ऑलरेडी शेड्यूल में डिफाइंड है आपको करना है। तो ये उनके लिए एक्सपीरियंस है, और 90 लोग और लोग आ रहे हैं। सॉन्ग है लोंगी डांस, जो हमारे कार्यक्रम का समापन होगा, जिसमें सभी लोग 10-5 मिनट जो भी एनर्जी से डांस कर सकते हैं वो करेंगे और यादगार बनाएंगे इस पल को। तो मैं कबीर जी, आप बोलेंगे नाम, ठीक है? तो सभी के नाम बोलते रहिए, ये आप बोलिए। Let's go, sir.
मिस्टर प्रेम जी यादव हेलो सर भाई हमारे पिछले बार के भी परफॉर्मर हैं और इस बार के भी हम लोगों ने बुलाया बहुत जोरदार तालियां इनके लिए हेलो सर कोयल अजय कुमार संजय जी जो पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं हेलो सर बिना संभव नहीं था कार्यक्रम होना जाना नहीं है भाई बिना लुंगी डांस के कोई नहीं भागेगा ना वेरी गुड यार ये डांस और ये नेम ऑफ प्लेयर्स मिस्टर एल कविता साउथ तड़का लाने वाले कबीर हेलो सर ओके अरे आओ ना सुभाष हां मैं मिस्टर सुभाष चंद्र सोन का टिकट चल गई भाई इनकी आंख चल गई जिनकी चल गई इनका आगे यहां चलती रहती है सर मिस्टर रविंद्र कुमार भाग गए फ्रेंड्स मिस्टर रविंद्र कुमार हेलो सर हमारे डायरेक्टर साहब अभी बैंक नंबर 62 में पार्टिसिपेट किया सभी आपके से एक भी और दिखाएंगे एक एक दर्शन किया जो सबसे शोर मचाया ए मिस भाई सर हमारे क्लास में बहुत पॉपुलर हैं राजीव आर्य जोरदार तालियां उसके बाद भी ट्रेनिंग पूरी की है दर्शक इन्होंने पूरा शोर मचाया और पूरे प्रोग्राम का भाई सर ये दर्शक हमारे बधाइयों का शेर है संगे संगे ग्रेट धन्यवाद मुन्नी नाथ के नाम पर रमेश रमेश हेलो सर रमेश ओके लो मिस्टर संजय जी एक हमने भाई बोल मारा तो करेंगे संजय जी यादव साहब को अरे भाई साहब यादव यादव साहब को प्रकट की आई थी मंदिर से पहले मैं हरदेव जी को बुलाना चाहूँगा जो मेरे साथ उन पर बहुत मेहनत करते हैं साथ में वो दोनों लोग जो आज हमारे इस कार्यक्रम में फेस्टिवल के समय में भी बहुत मेहनत किया है दोनों आप दोनों को एक मिनट के लिए नीचे आ जाइए फिर वापस लुंगी डांस चलाना तीनों लोग आ जाए यादव I can faculty, he has supported a long, very encouragement to doing this cultural program at the Poly Fest. We on behalf of class number 6, the audience also, once again we are thanking you and all the participants in the cultural fest, thanking you and even supply of the snacks and the girls And we are all in fact, we are thanks. And particularly this year, thank you very much for your performance, very good, solo dance, really. We thank you to all. Thank you.